आ चुके श्रीनगर और पाजी देखो कहाँ बैठे हुए हैं। फाइनली श्रीनगर रह गया, कुछ भी नहीं रह गया भाई। वहाँ पे जाके आपको दिखाते हैं भाई, वेदर देखो यार, क्या पहाड़ है वो देखो साइड में, चेक करो यार। भाई तुम्हारा भाई ना थार लेके आया कश्मीर, चौड़े चक्के वाली, ये चेक करो गाइज। अब सेकंड टैंकी फुल हो रही है और गाइज यहाँ से निकला जा रहा है सीधा, पानी में छलांग मारने लगा। भाई फाइनली शिकारा आ चुका है, लाओ जी दिखाओ जरा। महाराज ये देखो यार क्या नजारे हैं यहाँ पे, शॉट देखो भाई। बोट लेनी पड़ेगी, फिर हम क्रॉस कर सकते हैं, वहीं पे सारी मार्केट है भाई। डर लग रहा है, बोट ना बहुत ज्यादा नीचे है और ये कह रहे हैं कम से कम ने तो 30 फुट है। अंदर घुसी पड़ी है मशीन, देख रहे भाई पहाड़ गिर गया ऊपर से। मैंने सुबह 10:30 बजे का मीटर डाल दिया था, चेक करो भाई। यहाँ से रह गया ले लद्दाख 512 किलोमीटर और श्रीनगर यहाँ से है भाई सिर्फ 89 किलोमीटर। और बताओ वीडियो वगैरह देखते हो? और जी क्या हाल है भाई, कहते तुम्हें गाड़ी का लफड़ा होगा फैमिली के लिए, तो मेरी गाड़ी ले लो आप, ये वहाँ खड़ी कर जी भाई। बाइक्स का काफिला चेक कर लो, ये देखो आगे जा रही चंडीगढ़ नंबर है हिमालयन। ये बाइक वाला ना बड़ी देर से हमारे साथ ही है, जब यूरोप गए थे ना यूरोप में भी ऐसा था, जब हम स्विट्जरलैंड से इटली की तरफ जा रहे थे बिल्कुल सेम ऐसे ही टनल था। सो गाइस फाइनली निकला जा रहा है होटल से और भाई सारे आ चुके हैं, और भाई तुम्हारा भाई अभी अभी निकला है यहाँ से, और गाइस अब सीधा जा रहे हैं यहाँ से हम कश्मीर श्रीनगर। सबसे पहले यहाँ से ब्रेकफास्ट करेंगे, और गाड़ी के अंदर डीजल बिल्कुल भी नहीं है भाई, लाइट आ रखी है और गाड़ी कुछ भी नहीं चली। मेरे ख्याल से 550 किलोमीटर चली है, पिछली बार जब पंजाब गए थे तब गाड़ी चली थी 450 किलोमीटर, और इस बार थोड़ी सी बढ़िया एवरेज निकाली गाड़ी ने, क्योंकि फादर साहब गाड़ी चला रहे थे और इन्होंने 80-90 ही रखी है गाड़ी। अब गाइस यहाँ से निकल चुके हैं हम जम्मू से, ये चेक करो 2000 रुपये का नो एंट्री का चलाना है, काफ़ी बड़े बड़े चलाना है यहाँ पे। आज हम आपको नज़ारे दिखाने वाले हैं कश्मीर के। जम्मू के अंदर ना मुझे एक्चुअली एक दिन रुकना था, बट ऑफ रोडिंग के लिए चले गए थे, और भाई जम्मू वाले भाइयों को दिल से रिस्पेक्ट है, एक मैसेज कर रहे हैं भाई, इतने लोग इकट्ठे हो गए थे, बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे मुझे कि भैया आपने पहले नहीं बताया, क्योंकि यार मैंने सुबह 10:30 बजे का मीटअप डाल दिया था, और भाई फिर लोगों के बाद में मैसेज आया, कहते भाई हम 12 बजे उठे, कोई 1 बजे उठे, भाई दिल्ली के अंदर भी यही सीन है, मैं भी 12-1 बजे उठता हूँ, कोई दिक्कत नहीं भाई, देखेंगे श्रीनगर से आते हुए ना फिर कोशिश करेंगे, जम्मू चक्कर लगाएंगे तो फिर हम टाई अप कर लेंगे एक हिसाब से। अब गाइज यहाँ से हम सीधा निकल रहे हैं श्रीनगर के लिए। सो गाइज यहाँ पे वो सामने चेक करें, ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब है वो टाली साहिब, और गाइज मैं मत्था टेक नहीं पाया क्योंकि लेट हो गए थे, फादर साहब और मदर चले गए थे दोनों सुबह ही, क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट उठा हूँ क्योंकि रात को भाई एडिटिंग कर रहा था, तो इस चक्कर में। सो गाइज यहाँ से हम निकल रहे हैं सीधा श्रीनगर के लिए, पहले हम जाएंगे यहाँ से श्रीनगर, फिर उसके बाद सोनमर्ग, फिर गुलमर्ग। गाइज यहाँ से 10 घंटे की ड्राइव है, जब हम रात को निकल रहे थे ना तब 12 घंटे की ड्राइव बता रहा था, और रात को ना प्रॉब्लम रहती है क्योंकि ना यहाँ पे टेररिस्ट का थोड़ा सा सीन रहता है, तो आर्मी वाले मना करते हैं जब ज्यादा रात पड़ जाए, तो नेविगेशन में 10 घंटे शो कर रहा है कि 10 घंटे में हम श्रीनगर पहुंच जाएंगे। अब पहले यार ब्रेकफास्ट करते हैं क्योंकि होटल से कुछ खा के नहीं आए, अब सबसे पहले हम ब्रेकफास्ट करेंगे उसके बाद निकलेंगे श्रीनगर के लिए। लो जी भाई आ चुके हैं ब्रेकफास्ट करने, भाई होटल में नहीं खाया मैंने, कहा बाहर से खाएंगे परोंठे नान वगैरह, और टाइम देख लो भाई 10:45 हो चुके हैं, और यहाँ पे भाई अब ब्रेकफास्ट करने वाले हैं। निकला जा रहा है अब यहाँ से, और गाइस हम ना जम्मू में रुके थे इस जगह पे भाई, बहुत ही बढ़िया था भाई, खाना पीना पूरा दिल्ली वाला टेस्ट था भाई। 2 दिन हो गए जम्मू का ना ज़्यादा बढ़िया नहीं लग रहा था, दिल्ली वाला फील नहीं आ रहा था, हाईवे के ऊपर ही है भाई, आप भी ट्राई करना, बहुत बढ़िया था, नेक्स्ट लेवल था। ब्रेकफास्ट करके निकल चुके थे, आ चुके हैं इंडियन ऑयल पर, अब डीजल फुल करा लेते हैं भाई, पूरी खाली पड़ी हुई है गाड़ी, चेक करो। और भाई अभी तो जम्मू तक आए हैं तो खाली हो गई है, दिल्ली तक जाते जाते 4-5 टैंकियाँ लग जानी, 4 तो लग ही जानी है भैया, डीजल फुल कर दो, डीजल है ही नहीं, अरे आगे है पेट्रोल पंप 6 किलोमीटर बाद है ना, ठीक है 6 किलोमीटर तो चल जाएगी अपनी। भाई जगह बहुत सुंदर है, रोड्स बहुत बढ़िया बनी हुई है। चलो गाइस अपना आप टाइम लैप एंजॉय करो। गाइस पहला टोल आ चुका कश्मीर जाने के लिए, लो जी गाइस अब मिल चुका पेट्रोल पंप भाई, वहां से निकले थे 6 किलोमीटर बोला था, अरे कम से कम 20 किलोमीटर बाद मिला होगा, चला जाएगा 4000 का। गाइज अब सेकंड टैंकी फुल हो रही है, और गाइज यहाँ से निकला जा रहा है सीधा श्रीनगर, अभी पहुँचे भी नहीं है। गाड़ी देखो भाई कितनी सुंदर लग रही है, 4000 का आ गया। फिर हम आ चुके हैं उधमपुर, और रास्ता बहुत साफ मिला है, यहाँ से 180 किलोमीटर शो कर रहा है, सिर्फ 4 घंटे दिखा रहा है यहाँ से, तो सही टाइम पे पहुँच जाएंगे। वैसे वहाँ से ना 10 घंटे की ड्राइव बता रहा था भाई, ये बाइक वाला ना बड़ी देर से हमारे साथ ही है, ये भाई ये ब्लॉगर है कोई, ये देखो ये गोप्रो भी लगा हुआ है बाइक के, भाई लोकेशन देखो कितनी बड़ी है, साइड में लगा लेते हैं, कोई सब्सक्राइबर भाई है पीछे अलका आधार पे। हाँ जी क्या हाल है जी, और बताओ वीडियोस वगैरह देखते हो?
क्यों नहीं, वीडियोस हम देख रहे हैं बड़े शौक से। और जी क्या हाल है भाई, ठीक हो? ये बता, नाम क्या आपका? इसका नाम फरहान है। ठीक है, मैं वीडियो में ले लिया, आप भी आओगे परसों, वीडियो डालूंगा उसमें आओगे। ठीक है सर, कहाँ पे जा रहे हो? श्रीनगर। हम भी श्रीनगर ही जा रहे हैं, श्रीनगर ही जा रहे हैं। नहीं बस वहीं पे मैं जाकर ब्रेकफास्ट कर लिया था मैंने, घर पड़ता है। अच्छा नहीं, वैसे हम घूमने आए, उसके बाद श्रीनगर के बाद ना हमने आगे भी जाना, गुलमर्ग वगैरह भी जाना हमने, तो घूमना है दो तीन दिन यहीं पे। नहीं नहीं, गाड़ी गाड़ी है अपनी, कोई चक्कर नहीं है। हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, कम्फर्टेबल है और सब बढ़िया। नाइस टू मीट यू। ओके जी बाय। हमारे घर पे आ जाओ, श्रीनगर ही हम रहते हैं। कहते तुम्हें गाड़ी का लफड़ा होगा फैमिली के लिए, तो मेरी गाड़ी ले लो आप, ये वहाँ खड़ी कर देना। नहीं नहीं, मैं गाड़ी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। निकल के आ गई गाड़ी, तो ये भी श्रीनगर में ही रहते हैं, तो बड़ी देर से ना गाड़ी कम से कम नहीं तो 8-10 किलोमीटर से ना साथ में चल रही थी। पहले हेलो वगैरह कर रहे थे, उसके बाद ना इन मैंने फिर गाड़ी साइड में लगा ली, मैं चलो बात बात कर ही लेते हैं इनसे। और कहा ये भी श्रीनगर ही, ये कहते हैं हमारा घर है वहाँ पे, होम टाउन, और फराज नाम था लड़के का, वो भी हमारी सारी वीडियोज वगैरह देखता था भाई। श्रीनगर चल के करेंगे कैमरा। देखो खाई में गिर गया था ट्रक, वो देख रहे हो भाई। फाइनली पहुंच चुके हैं मुखर्जी टनल। जब यूरोप गए थे ना, यूरोप में भी ऐसा था, जब हम स्विट्जरलैंड से इटली की तरफ जा रहे थे, बिल्कुल सेम ऐसा ही टनल था। हम यहाँ से टाइम लैप भी ले लेंगे थोड़े से। लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसे टनल देखी भाई, खत्म होने का नाम नहीं ले रही। कम से कम नहीं तो 5 किलोमीटर से प्लस मैं आ चुका हूँ। अब खत्म हुई है टनल भाई, अब बाहर निकले हैं। बहुत बड़ी टनल थी, कम से कम नहीं तो 10 से 12 किलोमीटर की टनल थी जी भाई। बाइक्स का काफिला चेक कर लो, ये देखो आगे जा रही चंडीगढ़ नंबर है हिमालयन। फिर भाई यही रास्ता ना लद्दाख को भी जाता है, लद्दाख भी यहाँ से ज्यादा नहीं है, मुश्किल से 400 किलोमीटर है यहाँ से लद्दाख। और जहाँ हम श्रीनगर जा रहे हैं, श्रीनगर से 300 किलोमीटर है, शायद हम लद्दाख का भी बना लेंगे। कि एक बार ही गाड़ी निकली है ना, तो सारी जगह इसको दर्शन करवा देंगे। फिर उसके पीछे साफ था सारा, अब थोड़ा सा गड़बड़ है पीछे, 15-20 किलोमीटर थे, 15 किलोमीटर थे ऐसे गड़बड़ चल रहा है। ये देखो काफ़ी ज़्यादा मिट्टी भी उड़ रही है यहाँ पे, अभी काम चल रहा है, रोड्स अभी बनी नहीं है। अभी श्रीनगर यहाँ से 100 किलोमीटर है। चेक करो भाई, पूरी की पूरी अंदर घुसी पड़ी है मशीन, देख रहे हो भाई पहाड़ गिर गया ऊपर से। यहाँ पे भाई पूरी लैंडस्लाइड हो रही है, इस टाइम श्रीनगर में है। 3 घंटे भाई लग गए यहाँ तक पहुँचने में, अभी भाई श्रीनगर नहीं है। गाड़ी की हालत देखो भाई, जब निकले तब दिखाई दी, अब देखना क्या हालत हो गई इसकी। रास्ता बहुत ज़्यादा मतलब कि ना, पहले तो सही मिला, उसके बाद रास्ता काफ़ी ना ज़्यादा ख़राब था, जिसके अंदर भाई सारी है देखो पूरी गाड़ी गंदी हो गई। सो गाइस निकलने की तैयारी हो चुकी है। अरे अच्छे सी भाई का पैर सो चुका है, क्या हो गया अच्छे सी भाई? निकलने की तैयारी है, मम्मी आगे बैठेंगे और भाई हम दोनों पीछे बैठने वाले हैं, क्योंकि फादर साहब गाड़ी चला रहे हैं। वो जेके ट्रक वाला था भाई, मैं ओवरटेक कर रहा था, बिल्कुल आगे आगे लगा दी और जबरदस्त भाई गाड़ी लगने वाली थी, भगवान ने बचा लिया भाई। कैमरा नहीं होता गाइस, कैमरा ऑन निकलने का आपको दिखाते हैं, बिल्कुल इतना फर्क रह गया। तब यहाँ से 20 किलोमीटर और जाना है, उसके बाद वो कह रहे हैं कि हाईवे शुरू हो जाएगा। अभी ये सिंगल रोड है, यहाँ से अब निकल रहे हैं और अंदावा साहब मूतने गए हुए हैं, पता नहीं कहाँ पे है। देखो मूत के आ रहे हैं, किधर आए हुए? कबड्डी खेल के। देखो जब ये मूत के आ रहे हैं भाई, देखो कितनी ज्यादा गंदी हुई पड़ी अपनी। और श्रीनगर यहाँ से रह गया 32 किलोमीटर में हाईवे पे खड़ा हूँ। सो गाइस आ चुके हैं श्रीनगर, और पाजी देखो कहाँ बैठे हुए हैं। फाइनली श्रीनगर रह गया, कुछ भी नहीं रह गया भाई। वहाँ पे जाके आपको दिखाते भाई, वेदर देखो यार, क्या पहाड़ आंगो देखो साइड में, चेक करो यार। ओके रिपोर्ट। सो गाइस चेक करिए, वहाँ पे पूरा ट्रैफिक लगा हुआ है भाई, ये चेक करो भाई, जिस चीज का डर था ना वही चीज हो गई भाई। अब टाइम लग जाना है, देखो 2:40 हो रहे हैं, वहाँ पे पूरा ट्रैफिक लगा हुआ है। ये चेक कर लो भाई, बहुत बुरा हाल है, कम से कम नहीं तो भाई 1-1.5 घंटे से फंसे हैं। और अभी भी देखो यार पूरा ट्रैफिक लगा हुआ है, ये देखो पूरा। और ये देखो यहाँ तक ये सारा, ये देखो ये सारा जा रहा है, ये सारा ट्रैफिक भाई लगा हुआ है भाई। इस चक्कर में लोगों को यही बोलूंगा कि भाई सुबह निकल जाओ 5 बजे कश्मीर के लिए जम्मू से, नहीं तो भाई दिक्कत हो सकती है। तो भाई चेक करो भाई, यहाँ से रह गया लेह लद्दाख 512 किलोमीटर, और श्रीनगर यहाँ से है भाई सिर्फ 89 किलोमीटर। भाई देखो 3:30 हो गए हैं, आराम से भाई 7-8 घंटे लग चुके हैं। और भाई ये व्यू देखो यार कितना बढ़िया भाई, मैं सच बता रहा हूँ, मैं लास्ट टाइम 2 साल पहले लद्दाख गया था भाई, बिल्कुल सेम ऐसे ही पहाड़ है, मुझे लग रहा है लद्दाख इसके पीछे आ जाते पहुँचने वाले हैं श्रीनगर भाई। ये देखो यार पहाड़ देखो, क्या वेदर हो रहा है भाई, मजा आ गया सच में यार। गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं डल लेक, पार्किंग भी है हमारा, पार्किंग है बाद में। कितने कितने का है, कितने का होटल? थोड़ा साइड पे लगा, आगे लगा, आगे आगे लगा लो, उधर लगा। गाइस वो सामने चेक करो डल लेक, ये डल लेक है ना, ये वाली इधर लगा, इधर लगा लो, साइड में दबा लो, दबा लो गाड़ी,
गाइस ये चेक करो, डल लेक आ चुके हैं भाई, एक नंबर जगह लग रही है। ये देखो ये डल लेक का नजारा है, पापा वहाँ खड़े हैं देखने जा रहे हैं, बुला लिया उन्होंने। ये ब्रोकर है भाई यहाँ के, ये कहते भाई तुम्हें बढ़िया चीज दिला देंगे। चलो जी भाई सब दिखाओ जरा, आ जाओ गाइस चेक करो क्या नजारे हैं, देखो ओके रिपोर्ट। गाइस हम ना शिकारा वाले की देख रहे हैं, वहाँ अपनी कार खड़ी हो गई है, देखिएगा। और हम ना पीछे जा रहे हैं एक बार देखने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि पापा तो मना कर रहे हैं कि पानी में नहीं रुकना, और मैं कह रहा हूँ भाई पानी में रुकते हैं, कल हम होटल ले लेंगे दूसरा। पापा कहते हैं यहाँ पे स्मेल बहुत है, इनके यार दोस्त वगैरह आए हुए हैं, इसलिए बाकी एक बार हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमें ब्रोकर मिल चुके हैं, तो एक बार साथ में लेके जा रहे हैं फादर साहब को, क्या फाइनल कर रहे हैं। ये देखो भाई शिकारा, गाइस फाइनली शिकारा आ चुके हैं, लाओ जी दिखाओ जरा महाराज। ये देखो यार क्या नज़ारे हैं यहाँ पे, शॉट देखो भाई, भाई डर लग रहा है, बोट ना बहुत ज्यादा नीचे है, और ये कह रहे हैं कम से कम नहीं तो 30 फुट है ये। गाइस अभी ना रूम फाइनल करने के लिए जा रहे हैं, ठीक हो? लो जी गाइस ये देखो पानी, देखो यार मुझे पानी से इतना डर लग रहा है, बोट बिल्कुल नीचे है। और भाई ये सारे बने हुए हैं रूम्स, अभी ये होटल हमें दिखाने के लिए जा रहे हैं कि कौन से जगह रुकना है। हम ना फैमिली देख रहे हैं कि बड़े वाला कोटेज ले लेंगे, वहाँ पे रुकेंगे सारे। मैं यहाँ पे ना वेदर जम्मू से बढ़िया है भाई साहब, इनका बर्थडे आज, इनका बर्थडे आज, इनको क्या बोलने हो गए आज? गाइस देखो जी बर्थडे विश कर रहे हैं बोट वाले स्पेशली, क्योंकि भाई साहब ना आज पार्टी देने वाले हैं हमें। शिकारा राइड करके आ चुके हैं अपना, गाइस यहाँ पे होटल देख रहे हैं कि कौन सा वाला बढ़िया होगा। ये देखो ये बोट्स खड़ी हुई हैं काफी टाइम से, देखो ये सारा ना, ये देखो भाई सारी हवा में और पानी में रुकना है, और वहाँ जाना है तो हमें बाय बोट जाना पड़ेगा, यहाँ से कोई जाने का रास्ता नहीं, इसमें रुकेंगे। और बाहर जाना है तो स्पेशली बोट जाएगी वहाँ पे। आ जाओ भैया, आ जाओ जी, आ जाओ। लो जी भाई आगे चल रहे हैं हम देखने के लिए इनके पास जहाँ पे है। और भाई ये देखो पत्थर की भी बनाई हुई है यहाँ पे इन्होंने, ये भी देखो बोट पानी में खड़ी हुई है, हमने शूज उतार दिए यहाँ पे। ये देखो भाई ये नीचे सारा पानी पानी है, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। लो जी भाई सारे उतार के जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं कौन सी वाली बोट हमें पसंद है। काफ़ी बढ़िया बनाया हुआ भाई, ये देखो मिरर वगैरह लग रखे हैं। ओके रिपोर्ट भाई साहब, लाइट तो चलाओ, मेरा चिल करने के लिए यहाँ बैठेंगे भाई, क्या नज़ारे हैं। लो जी फादर साहब बैठ भी गए इधर, ये चिल करने के लिए, ये देखो जगह देखो। ओके रिपोर्ट, हाँ जी सही लग रहा है, फिर पानी में छलांग मारने लगा। चल झूठा, अभी नहीं, कभी सारी मार्केट है और वहीं पे सारे होटल बने हुए, देखते हैं कि शिकारा पसंद आता है तो यहाँ रुक जाएंगे, नहीं तो भाई चलेंगे भाई। लग तो मैं, मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, और मॉम डैड का भी भाई, देखो यार कोई कह सकता है भाई मजा आ गया, कितनी बढ़िया चीज बनाई हुई है। ये तो घर है आपका, घर है घर है, बहुत बढ़िया बना हुआ है। पीछे एक बार रूम भी देख ले, आ जाओ आपको दिखाएं जरा, ये भी बहुत बढ़िया बना हुआ है, देखिए यार प्रॉपर वो लग रखा है, डाइनिंग टेबल वगैरह, ये किचन बन रखी है। ये ऊपर जाने के लिए रास्ता है भाई साहब, ऊपर छत होते हैं यार, ये तो ट्रेन के अंदर लग रहा है, ये साइड में जैसी है। अच्छा ये कमरा है वो जी, रूम्स भी काफी अच्छे बन रखे हैं यार, बढ़िया लग रहे हैं रूम भी, ऊपर छत कर। अच्छा इसके अंदर हम कितने गाने रुक सकते हैं भैया? दो बंदे आते हैं, दो कपल का एक्स्ट्रा आते हैं ना, बच्चे होते किसी का, ठीक है। अरे यहाँ पे मिरर वगैरह देख रहे हो यार, वॉशरूम भी देख लो, और यहाँ पे जिकूजी भी लगी हुई है भाई, ये ये देखो भाई जिकूजी भी दे रखी है। अब भाई इनसे बात करते हैं फिर फाइनल करेंगे। अपनी बोट आ चुकी है और भाई हमने फाइनल कर दिया ये वाला शिकारा। भाई देखो जो फ्रंट वाली साइड पे ना बहुत कम मिलते हैं, इसलिए भाई देख लो तुम्हारे भाई ने बिल्कुल फ्रंट वाली साइड लिया भाई, डबल कॉस्टिंग बढ़ी है इसकी। अब इनके साथ चल रहे हैं आगे बैठ के, ये यूसुफ भाई मशहूर शिकारा वाला है, लगभग ये रंग वाली नाव 35 साल से चला रहा है बोट, 35 साल से चला रहे, देखो 35 ईयर से। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अच्छा डिश होता है, अभी खा के जाएंगे वो भी। सबसे बड़ी बात हमने भाई फ्रंट वाला लिया, ये तो भाई मतलब की ना पहले इनका ना बुकिंग करनी पड़ती है, पर चलो आपके भाई को मिल गया। और सामने ये देखो सारे के सारे होटल्स हैं। गाइस फाइनल करके आ चुके हैं रूम, अब भाई यहाँ से सामान उठाएंगे और वहाँ चलेंगे, अब फिर आपको दिखाते हैं पूरी वीडियो। भाई बहुत बढ़िया मजा आ रहा है भाई, फर्स्ट एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा है। चेक करो भाई इस बस पे भी बैठना है यार मुझे, ऊपर बैठेंगे भाई, डल लेक बहुत खूबसूरत दिखती है भाई, ये यूके में बहुत चलती है, मैं यूके में भी इस वाली बस पे बैठा था, मैं शॉट लगा दूंगा। गाने चल रहे ओके रिपोर्ट, और भाई ये रात को 12 बजे तक चलती है। लो जी गाइस जूस बन रहा है, और पाइनएप्पल वाला और मौसमी वाला ले रहे हैं, और यहाँ फादर साहब ना सुबह ना शिकारा की बात कर रहे हैं, सुबह 3 घंटे में घुमाएंगे और सारे पॉइंट्स 10 पॉइंट बताए हैं, मीना बाजार और सारी चीज़ें, किला कुला जो पानी के अंदर है वो सारी चीज़ें घुमाएंगे। भाई मैंने उस पर
डालूंगा, ब्लॉग में भी डाल देंगे भाई, ब्लॉग में भी डालूंगा। ओके भाई, नाइस टू मीट यू भाई। गाइस देख लो भाई, सब्सक्राइबर जहाँ जाओ भाई, आपके भाई की ना ऑल ओवर इंडिया के अंदर भी जहाँ मर्जी चले जाओ भाई, कोई ना कोई तो टक्कर ही जाता है भाई। जम्मू कश्मीर में ना रात को घूम रहे थे 2 बजे, भाई के बाद ना सिम लेने गए 2 बजे रात को, वहाँ पे भी भाई सब्सक्राइबर मिल गए, कहते हैं बाजी यार मैंने पहचान लिया, बैचल भी ब्लॉग दो ना। आ चुके हैं पंजाबी दरबार पे भाई, बिल्कुल डल लेक के सामने है ये, और भाई यहाँ पे ना डिनर करने लगे हैं। लो जी गाइज, निकला जा रहा है रूम से, और गाइज बाहर ब्रेकफास्ट की तैयारी हो चुकी है, तुम्हारा भाई सो गया था। लो जी भाई, इधर ब्रेकफास्ट लग चुका है ड्राइंग रूम में, और भाई हम रुके हुए हैं शिकारा के अंदर। हेलो बोल दो भाई, और भाई का आज बर्थडे है, विश कर दो। मॉम हेलो बोल दो सबको, हेलो भैया। भाई ये बहुत हेल्प कर रहे हैं, साथ में लेके आए हैं हमने दाल मंगवाई है, दही, साथ में आलू के परांठे, और बाहर दिखाता हूँ बाहर का क्या व्यू है। और रंधावा साहब बाहर आओ जरा, ये देखो भाई ऐसी कुछ हमारी प्रॉपर्टी है, हम रुके हैं हाउस बोट पे, हमने पूरी की पूरी हाउस बोट पूरी बुक करवाई हुई है। और गाइस एक बार वो देखो, और भाई हमने ना सामने देख लो, बिल्कुल सामने मार्केट के बिल्कुल सामने लिया हमने, और ये चक्कर भाई ये भी अपने पास की प्रॉपर्टी है, इधर रात को बैठेंगे चिल करेंगे सो के। पीछे भी बोट्स हैं बट वो बहुत कम मिलती हैं, और ये बुकिंग करवानी पड़ती है बहुत पहले, बट चलो अपनी जान पहचान निकल गई तो हमें बुकिंग ना लेनी नहीं पड़ी, नहीं तो भाई ये ऐसी बोट फ्रंट वाली साइड लेने के लिए ना बुकिंग करवानी पड़ती है। यहाँ से ना वहाँ तक जाने के लिए बोट का इस्तेमाल होता है, ऐसे हम जा नहीं सकते, मतलब ऊपर हम पैक्ड है। अब ना अंदर चल रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए, ब्रेकफास्ट करते हैं, और गाइस बता देता हूँ अभी अभी उठा हूँ, रेडी नहीं हुआ, अभी रेडी होंगे ना फिर आपको दिखाएंगे, और रात को भी चिल आउट इधर ही करेंगे। चलो गाइस, ये हमें ना पूरी हाउस बोट लिए पूरा हाउस टूर करवाएंगे यहाँ से निकले, ऐसा कुछ माहौल है, सामने मार्केट है सारी, और गाड़ी भी मेरी थार भी सामने लगी है होटल में। इधर से भाई ये ड्राइंग रूम है मेन, हम नीचे बैठ के खा रहे की गंद ना पड़े। हमारा भाई इसके अंदर सफर करने वाला है भाई, डल लेक देखने वाले हैं, चल रहे हैं भाई अंदर। चल भैया ठीक हो भाई, गाने चल रहे हैं पूरे भाई, नीचे कोई भी नहीं, खाली पड़ा हुआ देखो, गाने चल रहे हैं भाई, कॉपीराइट ना आ जाए। ये चेक करो जरा, ये है भाई बस, ऊपर बैठ के हम सफर कर रहे हैं, ये रही भाई डल लेक, और हम यहीं पे रुके हैं शिकारा के अंदर। बस आपका ना बर्थडे है, ये देखो भाई नीचे भाई स्पेशली गाना लगवाया मैंने नीचे जाके कि भाई के पास आओ, ये देखो भाई हैप्पी बर्थडे विश कर दो भाई को। तीसरा दिन है मेरा जो कि मैं रुक रहा हूँ शिकारा में, 2 रातों से इधर ही था और आज निकलूंगा। लो जी भाई चाय आ चुकी है, मॉम डैड और रंधावा साहब भी आ रहे हैं। ये देखो ये पूरी प्रॉपर्टी अपनी ही है, सुबह का नजारा, और भाई टाइम देखो 10:05, आज भी नींद बढ़िया से पूरी हो गई है भाई। ये दोपहर की गर्मी है और भाई ऐसी उसी इसमें कुछ नहीं होता, ये लगा लोगी, और भाई सुबह बिल्कुल ठंड लग रही थी, और भाई रात को ना बस पे सफ़र कर लिया तो मैं जैकेट नहीं लेके गया था भाई, इतनी ठंड लगी ना। सो गाइस देखो ये बोट है, वो देखो उसमें देखो कॉफ़ी कावा और चाय वगैरह सब मिल रही है, मतलब कि ना इन्होंने प्रॉपर पानी में ही रखा हुआ है, और ये मतलब कि ना उसका सामान है डेकोरेशन का भाई, ये चीज़ बहुत डिफरेंट लगी है, ये हमने अभी अभी परचेज़ करी है, दिखाता हूँ आपको, बहुत बढ़िया चीज़ थी गाइस। ये चेक करो कितनी बढ़िया चीज़ है भैया, दिखाओ जरा कैसी है, ये देखो भाई लकड़ की बनी है, नीचे से दिखाना, इसमें हम ना आम वगैरह भी डाल सकते हैं, ये ना वुड वर्क है सारा, अभी देखने है खुला, इसमें हम ड्राई फ्रूट वगैरह रखे तो सारी चीज़ें होगी, ये बहुत डिफरेंट चीज़ है, ये हमारे दिल्ली में नहीं मिलेगी, तो मॉम डैड कहते हैं ये चीज़ हम ले लेते हैं। हमने 3 चीज़ें ली है, ये एक वो, और उसके बाद एक और हमने एप्पल लिया, वो भी आपको दिखाते हैं, ये चेक करो भाई, ये देखो कितनी बढ़िया चीज़ लग रही है, और ये भाई टेबल पे पड़ा हुआ ना वैसे भी बहुत सुंदर लगेगा, ये चेक करो। मॉम डैड भी रेडी हो चुके हैं, अब निकल रहे हैं यहाँ से गुलमर्ग के लिए। ये देखो यहाँ पे एक वॉच भी है, ये चेक करो भाई, पूरी वुड की बनी हुई है, बहुत बढ़िया लग रही है। इसका प्राइस क्या भैया ये बताओ पहले? 1800 रुपये की कश्मीरी, और भाई ये पूरी लकड़ की बनी हुई है ये देखो। सो गाइज ये चेक करो भाई, यहाँ पे भाई फ्रूट चाट के लिए भी इसके अंदर ही है भाई, ये फ्रूट चाट के लिए आप यहाँ से खा सकते हैं, सारी भाई दुकानें देखो ऐसे ही बनी हुई है। और ये देखो पापा वहाँ से ना किश्ती भी ले रहे हैं, अभी अभी हमने सामान ले लिया, और वो देखो पापा वो भी देख रहे हैं अपने फ्रेंड को गिफ्ट करने के लिए, वो देखो पापा उसको वहाँ बुला रहे हैं, फ्रूट चाट भी खाने लगे हैं अब, यहाँ पे फोटोज वगैरह करवा रहे हैं,
और अब हमारी बोट आने वाली है, वहाँ से बोट आएगी फिर दोबारा उस पार चलेंगे, वहीं हमारी गाड़ी खड़ी है। और आज हम निकल रहे हैं पहलगाम के लिए। रात को ना बस पे ट्रैवल करा था, मैंने टी शर्ट पहनी थी, ठंड लग गई है, कोल्ड हो गया मुझे, नाक भी बंद हो रहा, सर भी दर्द हो रहा था, इसलिए भाई फुल स्लीव्स पहने हैं मैंने। फादर साहब ने भी इनर वगैरह पहना भाई, ठंड आई इधर दोपहर को सिर्फ गर्मी है, सुबह और रात की भाई बहुत ठंड है। सामान लेके जा चुके हैं, गाड़ी में रखेंगे, थार अपनी उस पार खड़ी हुई है, ऐसा लग रहा है भाई बोट लेके जा रहे हैं, सामान लेके जा रहे हैं, अब दूसरी बार हम भी जाएंगे। वो तो जा चुके थे, अब हम जा रहे हैं यहाँ से, बोट बाहर निकल रही है, मोम और मैं रह गए थे भाई। ये देखो कैसे बैठती है मम्मी, मम्मी को बहुत डर लगता है भाई, ये पकड़ लेना भैया। चलो जी हम भी गए हैं बैठ, चलो जी बैठ गए हैं बोट में, अब जा रहे हैं उस पर। ठीक है जी, शुक्रिया जी बहुत बहुत आपका भाई, थैंक यू। गाइस निकल रहे हैं, हमारा एक ही बैग रह गया था, बाकी सारा सामान लेके जा चुके हैं, वहीं हमारी थार खड़ी हुई है। ये देखो भाई इस जगह हम रुके थे भाई, बहुत बढ़िया सुंदर प्रॉपर्टी। हाँ जी मम्मी कैसा लग रहा है? गाइस फर्स्ट टाइम कश्मीर आए हैं, मॉम डैड भी, मम्मी पहले पत्नीटॉप गए थे और फर्स्ट टाइम कश्मीर आए हैं। और भाई मेरा ड्रीम था वहाँ शिकारा पे रुकने का, आज ड्रीम कम्प्लीट हो चुका है। पहले हमारा यूरोप जाने का प्लान था, फिर हमने कहा पूरा यूरोप तो घूमा ही हुआ है, तो इस चक्कर में यहाँ वेदर बहुत अच्छा, वेदर बहुत बढ़िया है ना। देखो भाई तुम्हारे भाई ने फुल स्लीव पहनी हुई है, अभी थोड़ी देर तक बहुत ठंड हो जाएगी, और इस टाइम ना गर्मी पड़ रही है 40 डिग्री दिल्ली के अंदर। ये देखो भाई आ गया हमारा प्लेटफॉर्म, भाई ये जब तक रुकेगी नहीं तब तक हम उतरेंगे नहीं। चले चलो जी बैग पकड़ा दो पहले भाई, मम्मी को बड़ी दिक्कत होती है उतरने में। तो गाइस फाइनली तुम्हारा भाई निकल रहा है श्रीनगर से पहलगाम की तरफ, और भाई तुम्हारा भाई ना थार ही लेके आया कश्मीर।